हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं गूगल साहब व्लॉग्स। और ये मेरा मैं दिल्ली में हूँ और ये मेरा दिल्ली का पहला व्लॉग है। बाकी ये मेट्रो आ गए तो पहले मेट्रो में बैठते हैं फिर चलते हैं। तो अभी मैं झांसी हूँ, सॉरी, तो अभी मैं दिल्ली हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ। तो दिल्ली में मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है मेरा कि मैं बंगला साहिब जा रहा हूँ। बंगला साहिब पहली बार जा रहा हूँ तो ये लग रहा है कि भाई इतने दिनों बाद कहाँ ट्रैवल करने जा रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पर डेढ़ महीने से हूँ ऑलमोस्ट दिल्ली में। डेढ़ महीने से होने के बाद भी मैं ब्लॉग या फिर कुछ बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है कि फ्रीक्वेंटली कभी इधर जाना पड़ता है कभी उधर जाना पड़ता है, वो अभी सेटल डाउन भी नहीं हो पा रहा है और फिर ब्लॉग इसलिए बन नहीं पा रहा है। कोई ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं कहीं जाऊं और ब्लॉग बनाऊं। मैं पहले भी दिल्ली में रहा हूं, तो पहले मैं जब रहता था ब्लॉगिंग तब मैं करता ही था। तो मैं दिल्ली में हूं, तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं हूँ कहाँ कहाँ नहीं। स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ तो क्या है कि हर मिनट हर सेकंड के अपडेट होते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ बंगला साहिब और अकेला नहीं हूँ, मेरी एक फ्रेंड आ रही है। क्या कि पहले फ़ोन आता है तो कहते हैं कि चल रहा है क्या, मैं सो रहा था, मैंने कहा नहीं यार। फिर एक और फ्रेंड का कॉल आया, सॉरी, फिर एक और फ्रेंड का मैसेज आया, चले आओ व्लॉग बना देना। मैंने कहा हाँ यार ठीक है, काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। फिर मैं अभी बस जा ही रहा हूँ, हॉस्कास पहुँच गया हूँ, वो भी हॉस्कास पहुँच ही गई है, बट उसे ये नहीं पता है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सो मेक हर सरप्राइज भाई, देखो ये एक तो क्या है कि यहाँ पर इतना चलना पड़ता है ना, एक हॉर्स का और एक आई एन ए, अगर कहीं भी जाना होता है तो यहाँ तो आने ही आना है, तो हॉर्स का और आई एन ए इतना चलना पड़ता है ना कि भाई कोई सीमा नहीं है इनकी। तो भाई साहब इतना क्यों, बगल बगल में कर दो ना। तो चलते हैं यहाँ से, वो वेट कर रही है, काफ़ी टाइम हो गया उसे। देख मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। तो मीट स्नेहा, हेलो, तो कहाँ रहती हैं आप? देख मेरे को पसीना आ रहा है और मेरे को इतना पसीना आ जाएगा। कहाँ रहती हैं आप? मैं झांसी रहती हूँ, तो आप रहते हैं? हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो पता नहीं था। आप भी घर के पास मतलब पड़ोसी थे? हाँ, तो ऐसा बोलना यार, मैंने कहा आगे चलो, आगे चलो। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या यार, एक ये मेट्रो ऐसी है जो इतनी भरी रहती है, क्या ही बताऊँ। तो एक फ्रेंड और आ रही है ना, एक फ्रेंड और आ रही है ना, कहाँ पहुँची? हम जल्दी और इतनी वीडियो में काट दूंगा। ऐसे ही मैं सुंदर लगती हूं, क्योंकि हम बंगले साइड जाएंगे तो हमें सुंदर करना है ना। ये बहन क्या करेगी? कोई दिख जाए तो मैंने कहा नहीं, कोई इंप्रेस नहीं होगा तेरे से। मैं तो काजल भी नहीं लगाया अभी। सूट पहन गया यार, अच्छी जगह जा रहे हैं तो ऐसी जगह जाके थोड़ा तो समझो ना यार। ठीक है मान गया ना, तुम मेरे को संस्कारी बनने में मत भूल जा देते। क्या 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 अच्छा है, लेकिन हर जगह नहीं। कोई नहीं, अगर गाड़ी देगी तो आप ही लेना, मैं नहीं लूँगा, तो आप ही लेनी, क्योंकि मुझे ही लेनी पड़ेगी, आप तो लेंगे नहीं।
नहीं सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तू ही इसमें ग्लो देखेगी, मेरे को तो देख नहीं रहा ये लोग, पता नहीं तेरे को देख ले। हाँ वो तो मुझे पता है, कुछ अलग बता। हाँ कर कर कर। ये आप देख रहे हैं ना इसकी क्या बोलते हैं, दिस इज द पावर ऑफ गॉड, टू डोंट अंडरएस्टिमेट दैट। ये अभी सीट पे गए, यहाँ कोई अंकल बैठे हुए थे, इसने बोला ये लेडी सीट है और वो डिपेंड। कितनी गंदी लग रही है, दूसरी तो गई हो गई ना, ये वाले नहीं, ये वाले अच्छी नहीं लग रहे, कोई ढंग की देखा। अच्छा ढंग की आई नहीं है ऐसा। हाँ ये अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही। ये दिवाली वाले और ये देखो एक बार ये मेकअप में देखो, अच्छी नहीं, दिवाली वाले अच्छी थी। पहले मैं ऐसी थी, फिर मैंने मेकअप किया, ये सॉरी सेक्सी, ये मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये अच्छी है। तो चलते हैं बस, अब कुछ और स्टेशन जाना बाकी है, तो चल 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 अब इनके पीछे पीछे घूमते रहो, कहाँ जाना है मैं उधर देख रहा था, उधर कहाँ जाना है भाई, वापस तो नहीं जाना। मिल गई है, ये मिल गई है, ये मना कर रही है नहीं लेना ड्रामा, ठीक है ओके। मैं नहीं जानता इन लोगों को, हरकतें कर रहे हैं ये लोग, नहीं कर रहा हूँ मैं, आ गया यार। ये मेरे को बोल के लेके आई है, ये मेरे को बोल के लेके आई है कि हम जा रहे हैं कहाँ, बांग्लादेश। लेकिन अब ये दो लड़कियाँ मिल गई हैं ना, मेरे को मुश्किल लग रहा है, हे भगवान डर सा लग क्यों लग रहा है मेरे को, कि पता नहीं कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी ये मार्केट मुझे पता नहीं है, पालम पीछे, सॉरी पालम गिर, पाली का पीछे है यार, कितने टाइम बाद आ रहा हूँ, लेकिन वही का वही सेम का सेम, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। मेरे को अभी पता चला है कि ये मार्केट जो है ना, ये पाली पालिका के पीछे जो ये जनपद है, और भाई मैं कब से आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को ये नहीं पता चला कि ये जनपद है। एक तो क्या है कि लड़कियों के कपड़े इतने सस्ते मिलते हैं ना भाई साहब, सही है। कितने पे आ गया? पाँच सौ से 250 पे आ गया बंदा, अभी देखो थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर और बार्गेनिंग कर लेना, ये बोल दिया मैडम 10 रुपये में ले जाओ। मेरे को लग रहा है कि मैं परेशान हो जाऊँगा आज, ये मेरे को बंगला जाए बोल के यहाँ ले आई। सही, ये मेरी चीज़ की है। अरे कहाँ डालूँगा गाड़ी में, मैं तो वही वो गाड़ी में तो वो बुलेट वाली डाला हुआ है, वो यहाँ मेरा नाम लिखा होता है, लद्दाख लिखा होता है ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा सॉरी भैया, ये मेरे को अच्छा लगा, इस पर भी जूली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, जूली लिखा हुआ है, वैली लिखा हुआ है, कहाँ यहाँ नहीं जाऊँगा मैं। अच्छा मेरे यहाँ एक पांडा था, मैं पांडा हूँ ना, इतना अच्छा मैं नहीं हूँ, कि तुम्हारा पांडा,
पांडा को देख के मेरे को एक मेरी दोस्त याद आ गई, तुम्हारा पांडा का नाम एक दीपा थी मेरे फ्रेंड। हे भगवान अभी भी मैं ही हूँ। हे भगवान अभी इसको एक चीज़ पसंद आई तो क्या हुआ, ये बोल रही यार महंगा आंटी महंगा दे रही, तो मैंने क्या हुआ मैं बार्गेनिंग करी, वो दे रहे थे 700 समथिंग 600-700 का था, तो मैं उसको 600 से मैंने मैं तू कितने की लेगी, बोले 350 या 400, मैं उसे 250 पे लेकर आया। तब ये लोग मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, तुम लोग मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो अंधेरी रातों में। हाँ 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 वो सही था, उतना मेहनत सारी वो फोटो नहीं थी वीडियो बना रहा था। बाय बाय। तो वो नहीं जा वो नहीं जा सकती थी क्या बोलते यहाँ पे बंगला साहिब, तो देर आर सम रीजंस, तो मैं और यही जा रहे हैं। हे भगवान यार कैसे 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 लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। हाँ सॉरी मैं और स्नेहा जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया क्योंकि हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया, एक ही दो चीज़ें बट हमारे पास थोड़ा सा मेरे को तो नहीं चाहिए था, ऐसे ही चाहिए था तो इसने लिया है, कुछ शॉप शॉपिंग किया है। क्या क्या दिया था वैसे, बैग था एक और एक जयपुरी वाली चप्पलें थी, नहीं अच्छा चप्पलें नहीं कहते उसको, सॉरी जूती पहली। हाँ ये अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये लिया और इसमें रखे हैं जूती, वो भी अच्छी लग रही है। तो यहीं से पास में है बंगला साहिब, तो यहीं से चले जाते हैं, चलते हैं। तो ये रहा गुरुद्वारा साहिब, अरे अभी रास्ते में एक दो चार बंदे मिले, एक बंदे की ये लगा हुआ था, क्या दिखाना है। यस सर, मैं तो पहली बार आया हूँ। सो यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम बंगला साहिब, आई एम कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड यू आर स्टेइंग इन दिल्ली फ्रॉम द सो लॉन्ग स्टिल। ओके आई एम नॉट स्टेइंग सो लॉन्ग, फर्स्ट वी नीड टू ब्रिंग दिस देन वी विल गो। लोग हमें क्या समझेंगे स्नेहा। कब से प्यासी थी, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, लाइक ये सिख रिलीजन करता है एवरी लाइक जो भी हर उधर उस साइड साइड साइड। हां अरे बस हां एंड जस्ट कोई नहीं, तू कर ले तू। नहीं नहीं ना मैं बताऊंगी ना, दिस इज द व्यू, वी विल सी इट फ्रॉम द लाइक आगे अंदर एक्चुअली अलाउ नहीं है हमको वीडियोस एंड हाँ अंदर अलाउ नहीं है वीडियोस एंड फोटोज रिकॉर्ड करना, सो वी कांट हम मेक द वीडियोस, बट हम आपको इसको बाहर से ही इसका बहुत अच्छा व्यू दिखाएंगे। यू विल फील लाइक ये मिनी, मैं जैसा मानती हूँ इट्स अ मिनी गोल्डन टेम्पल, लाइक बिल्कुल प्रॉपर वो छोटा सा एक। हाँ मैं गोल्डन टेम्पल भी दो बार जा चुकी हूँ, आई नो कि बहुत प्यारा लगता है, और ये यहाँ पे ना लंगर होता है, सो फ्री फूड होता है, लाइक ये सिख रिलीजन अलग का सबके लगता है, बता रही हूँ मैं। मेरी ऑडियंस अभी अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज नहीं है लेकिन बट स्टिल पीपल नीड टू नो ना कि हाँ सब सिख रिलीजन बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे होते हैं, मेरे को बहुत लाइक पर्सनली आई लव इवन आई वांटेड टू बी अ सिख। तुम लगते भी हो क्यों गाइस, लगता है अगर ये पग बांध लेगा तो डेफिनेटली शौक तो है बट अब आती नहीं है, आगे देखिए। So, शौक I think so, अब हमें इसके बाद अलाउड नहीं होगा,
सो आई एम जस्ट मैं आपको इधर से अरे फ्रंट की कहाँ है ये है सो नाउ यू ऑल कैन सी द व्यू मैं चश्मा लगा लूँ हाँ सो दिस इज द व्यू बट यहाँ पे हम ना लेके नहीं जा सकते फोन वो मैं बना लूँगा बाकी काम मेरा है अरे वाह ये तो मैं पहली बार आया हूँ कितना मतलब पहले जूते तो रख लूँ जूते उधर चलना उधर है जोर घर मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है छोटा पड़ेगा कोई बात नहीं शायद छोटा नहीं आ जाएगा अभी मेरे को पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है मेरे को पढ़ने का तो पढ़ने का तो लिखा है टेक प्रसाद स्लिप एंड प्रसाद फ्रॉम दी काउंटर्स हाँ सो सिख म्यूजियम वहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू एबल टू सी एंड ये है अभी देख कितना अच्छा लग रहा है वो जो है ना पीछे है ना अभी ऑलमोस्ट 3:30 हो गया शायद हाँ एटलीस्ट 3:30 हो रहा है हाँ इस टाइम बहुत अच्छा है लाइक अगर आप सर्दियों में भी आ रहे हो ना तो इवन यू कैन विजिट लाइक इसका जो नाइट का व्यू होता है ना वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आऊंगा रात में भी आऊंगा एटलीस्ट 2 घंटे भी अगर आप बैठे हो ना यहाँ पे तो मैं अभी एंड यू विल फील डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा बट टू गुड ना क्योंकि वो लाइटनिंग का इफेक्ट है ये गोल्डन गोल्डन शाइन करता है ना रात को तो बहुत प्यारा लगता है ओके हमारे पास ये टोकन है वी हैव टेकन दिस टोकन फ्रॉम देयर एंड अब हम ये टोकन लेके इस लाइन में जाएंगे तो हम ये प्रसाद लेके आएंगे देन प्रसाद लेने के बाद यहाँ से ही प्रसाद होता है देन फिर हम उसको वहाँ पे चढ़वाते हैं एंड ये गोकुल हमारा चल रहा है प्रसाद लेने के लिए जल्दी चलो ये इसमें ये भी होता है क्या अपना अपना लेना होता है क्या नहीं अपना अपना नहीं मतलब जिस टोकन तुमने लिया है ना उसके हिसाब से तुम्हें लेना पड़ेगा तो वो हर टोकन के हिसाब से देंगे तो अगर आप दिल्ली कभी भी आओ तो डेफिनेटली ये विजिट करना मतलब बहुत प्यारी जगह है अरे उस दिन पाजी यहीं आए थे अरे इंद्रजीत अगर देख रहे हो व्लॉग तो मैं ही आया था उस दिन शायद तुमने फोटो डाल रखी थी आगे है ना इंद्र पे चलना होता क्या ये वही वाला है हाँ इंद्र ने हाँ दिवाली पे इंद्र ने फोटो डाली थी मेरे को पता है तो इंद्र कि कहाँ मतलब पता है तो यहाँ कहाँ आया था अभी चलेंगे ना इधर के अभी कवर डांट खाएगी इनसे तब मानेंगे क्या दर्द बंद थी तो अभी लंगर खाने आया हूँ मैं इसके साथ बुक्कड़ तो यहाँ से लंगर के लिए वैसे तो वॉशरूम जाना है मेरे को यहाँ पर ये कह रही वॉशरूम है बट इसे ही पता है मेरे को नहीं पता यही आई है मैं तो बहुत वेरी फर्स्ट टाइम आया हूँ कहाँ लेके जा रही है अभी कहाँ है तो उधर है उधर जाना पड़ेगा चलो चलते हैं उधर चलो तो लास्ट कहाँ गए थे लास्ट मैंने कहा था जयपुर में यहाँ बैठ जाते हैं लास्ट मैंने कहा था जयपुर में मेरा तो है 3-4 खाए मैंने खा सकते नहीं है जाएंगे। तो लंगर तो खा लिया है लास्ट मैंने बताया था लास्ट हाँ देख सकता हूँ दे रहा हूँ तो लास्ट मैंने लंगर खाया था ना तो वो खाया था मैंने जयपुर में बेदीशा के साथ हाँ। यहाँ पर इसके साथ
एक्सपीरियंस क्या होगा यार, सब जगह अच्छा ही होता है, मंदिर है, मंदिर गुरुद्वारा, सिंपल सी रोटी और वो सिंपल सी दाल पता चार। अगर यही रोटी घर में बना देंगे ना तो अपन खाएंगे नहीं, वो नखरे होते ना, नखरे होते हैं हाँ। क्या बना दिया, यही रोटी यहाँ पे कितने सुख से खा रहे हैं, तो दिस इज द वेरी गुड थिंग, गुड थिंग। हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ जाते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इंडियंस की यही तो बात है, ये इंडियंस की और हिंदुत्व की यही बात है। अभी क्या चलना है, तो अभी हम यहाँ पे बगल में ना हनुमान जी का मंदिर है, तो आई एम थिंकिंग लाइक कि वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम वहाँ चलते हैं। ओके okay, मुझे पता तो है ना यहाँ के बारे में, तो मेरे को पता नहीं, ये जो पालिका है ना, ये राजीव चौक के बारे में मुझे तो पता नहीं, तेरे को पता है तो लेट्स गो, टेक मी टू दैट। मैं भी पहली बार जाऊंगी इस मंदिर, बट सुना बहुत बार है। ओके ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पास में ही है, तो चलते हैं यहाँ से। रास्ते है ये एक चीज है, ये लड़की जैसे गुरुद्वारे से निकली इसने दुपट्टा डाल दिया, मैं ओहो हे भगवान। जैसे यार हम लोग यहाँ से वैसे आ रहे थे, हम वहाँ से आ रहे थे रास्ते, मतलब एक मैंने बताया ना कि हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ पर था ये फूड फेस्ट, तो अब यहाँ से दिखेगा नहीं फूड फेस्ट का बोर्ड, ये महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान देन सरस गैलरी, ओके आई हैव टू गो दैट साइड। ओके यू कैन क्लिक अ फोटो ओवर हियर। सरस पता है, सरस एक वैसे जितना मुझे पता है, सरस जो है ना, सरस हाँ एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड का क्या है, सारी चीज़ें जयपुर में था, तो जयपुर में उस ब्रांड की सारे दूध दही मक्खन सारे ब्रेड सारी चीज़ें मिलती थी। अब ये वही सरस है नहीं है, उधर भी लगे हुए ना महाराष्ट्र पंजाबी ये हरियाणा है, गुजरात बोल के हरियाणा पड़ रही है। दाल बाटी चूरमा प्याज कचौरी, यार प्याज कचौरी, प्याज कचौरी साला 10 रुपए की खाता हूँ, 50 रुपए की है। बड़ा अच्छा हाँ लेते ले ले प्याज बोल दे, मैं बोल दे रहा हूँ, कितनी क्यूट है ना ये आ रहा हूँ। केरला डोसा इनका देख के याद, इनका देख के याद आता है, एल्ला पोल्ला एल्ला इनका है, जूस वर्ल्ड है इनका, कुछ नहीं है जूस है, डोसा हंट नहीं है, हट है। कहाँ बैठना है, ये खड़े खड़े खाना है, वहाँ जाते ना आ रहा है, अरे यार बैठ गया उधर। वॉच मी ऑन YouTube, यू कैन वॉच मी टू। ये लड़की चली गई, शर्म नहीं आती, खाना देगा नहीं आ जाओ। उत्तराखंड में क्या डबल चीज पिज्ज़ा, अरे पिज्ज़ा कैसे फेमस है, मतलब ऐसा नहीं, आलू पराठा पनीर पराठा तवा रोटी बाजरे की रोटी वो पंजाब के छोले भटूरे मिट्टी लस्सी क्या है, मेरे को तो लस्सी पसंद है, मेरे को तो काम ही मोमो मुझे ही नहीं पता। अरे क्या बोलते केरला वाना सुंदरी, वाना सुंदरी चिकन हम खा नहीं पाएंगे क्योंकि हम गुरुद्वारे होके आए हैं, ये अच्छा है फिश करी, ये भी चिकन ही है, यहाँ भी नहीं खाएंगे हम। तो वो फिर ये आंध्र कस्टर्ड या चिकन बिरयानी तो मैं खाओगी, तुम क्या खाओगी, चाटी चट्टी कहाँ लिखा चट्टी पे पतीली बनाना फिलिंग अपम विद चिकन, अपम अप्पा प्लस फिश करी, अपम डोंट हैव एनीथिंग करी, यू डोंट हैव एनीथिंग वेज, अरे छोड़ वेज यार,
don't you have anything Raj? यार कीमा पुलाव ये भी मटन है क्या हुआ वी कॉन्ट बिकॉज हम आज गुरुद्वारे गए थे तो हमने प्रसादा खाया हुआ है तो हम नहीं खा सकते कोई भी चिकन की चीज आई थिंक तो गूगल ने आपको बताया होगा लेट्स एक्सप्लोर समथिंग बट दिस इज वेरी गुड प्लेस यार मजा आ गया वो जो एक एक स्टेट को दिखाया ना वो जो महाराष्ट्र भी है मुट्टू करी मटन करी मुट्टू मुट्टू If you didn't, sorry, मटन है नहीं वेजिटेरियन अच्छा कितने कब तक आएगा गुड टू नो थैंक यू हाँ दो दिन से हिमाचल प्रदेश का पानी बेच रही है लोग कुछ तो होगा हाँ माल हुआ खुशबू क्या मैंने पता नहीं याद नहीं मैंने खाया नहीं चलना चलना खाना जगह है तेरे पेट में अंकल भी लेकर इतना तेज बोल रही है हाँ दारू अरे सच में दारू नहीं यहाँ लिक्विड है बस अरे यार तू खाएगी कि मैं तो भाई खा चुका हूँ बहुत सारा अरे पेट पता है ना एंट्री नो एंट्री भैया हम एग्जिट कर रहे हैं सीधा मंदिर जाना है हमको गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टूरिस्ट ऑफिस कांट क्योंकि आपने वहाँ पर चिकन भी तो बनाया है So, मतलब मेरे को एक दो चीज़ लेनी थी तो मतलब एक शर्ट वगैरह लेनी थी तो मैंने ले लिया वो और इसने भी कुछ शॉपिंग उसी टाइम की जब दिखाया था हाँ हाँ ठीक है भाई ना हाँ ये तो ज़्यादा ही थके तो ये पकड़ना ये लेके जाइए अंदर तो चलते हैं पहले सो राइट और स्नेहा जो है वो हुडा से आगे चली गई और मैं हुडा उतर गया हूँ सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मेरे को भी कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली है और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और आई होप यू लाइक दिस वीडियो